हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करीब 10 दिन बाद यानी डेढ़ हफ्ते बाद आज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई है। इसका रीजन ये है, समय नहीं मिल पाता। अब समय के कारण क्या है दोस्तों, मैं चंडीगढ़ में हूँ और मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ। 12 घंटे की जॉब आप सोच समझ सकते हैं दोस्तों, सुबह 9 बजे निकलना होता है, रात को आते आते करीब करीब 10 बज जाते हैं। उसके बाद आओ खाना बनाओ, खुद से अकेला हूँ, खाना बनाना पड़ता है। खाना नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बीमार पड़ जाऊंगा, खाऊंगा नहीं तो। उसके बाद दोस्तों सुबह फिर 6 बजे उठना होता है, जिम जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली जिम भी ज्वाइन कर लिया। साथ दोस्तों फिर ऑल आउट के खाना बनाओ, 9:30 ऐसे बज जाता है, फिर निकलो, शाम को थक जाओ। मतलब इतना मैनेज करने की कोशिश की मैंने, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है दोस्तों, अब चाहे खाना ना खाओ रात में, लेकिन वीडियो जरूर शूट करूंगा, शायद आपका प्यार मिल जाए मुझे। और दूसरा रीजन ये था दोस्तों कि मेरे पास माइक नहीं थी, वीडियो शूट करता हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी, लोगों को समझ नहीं आता था या लोग पसंद नहीं करते थे। अब ये तो ऑडियंस को ही समझ आ रहा होगा, मुझे तो यही समझ आ रहा था दोस्तों कि उनको समझ नहीं आ रहा और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही। तो फिलहाल दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है, मैंने फिलहाल थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके मैंने माइक खरीद लिया है। तो दोस्तों ये है मेरे पास बोया का M1 माइक, जो खरीद लिया है दोस्तों, सस्ते रेट में खरीदा है। ऑफलाइन खरीदना चाहिए और ऑनलाइन ये भी आपको बताऊंगा, और मैंने ये माइक कितने रुपए में खरीदा है आपको ये भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो शुरू करने बहुत मेहनत लगती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लगातार, तो मैं फिलहाल 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। एक में इससे पहले भी मेरा चैनल था, मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि गाइडलाइंस पता नहीं थी, और फिर मैंने दोबारा बनाया है। तो इस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो आई होप आपको प्यार मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो मैं भी उस मुकाम पे पहुंच जाऊं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं बोया माइक M1 की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है बोया का M1 माइक, बहुत मुश्किल से खरीदा है मैंने, थोड़े थोड़े पैसे करके। कैसे खरीदा है मैं ही जानता हूं, और कोशिश करिए दोस्तों आप भी खरीदें। देखिए किसी चीज़ की अगर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो माइक काफ़ी महंगा है दोस्तों, ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो 700 से 800 रुपये की रेंज में आता है दोस्तों। फिलहाल मैंने किस रेंज में ख़रीदा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और काफ़ी सस्ता माइक ख़रीदा मैंने। तो है बोया का M1 माइक ओरिजिनली, और आपको भी बताऊंगा कैसे खरीदे, आपको ऑफलाइन ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या ऑनलाइन। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है इस बोया माइक में। बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। तो दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे से पैक है दोस्तों। ओहो, मतलब इसके अंदर भी एक बैग है, वाओ, भी लेदर का दोस्तों, मतलब काफ़ी सही से पैक किया ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। और देखते हैं डब्बे में क्या है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम दूसरी भाषा में लव लेटर कह सकते हैं इनका। और ये है दोस्तों इनका एक वारंटी कार्ड, जिससे आप जहाँ से भी परचेस कर सकते हो, यहाँ पे स्टैंप वगैरह लग जाए, डेट वगैरह और आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, तो आपको इसकी वारंटी भी मिल सकती है, शायद 6 महीने की इसकी वारंटी होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप इस बोया माइक को सेट कर सकते हैं आराम से देख कर और पढ़ कर। तो चलिए इनको साइड में रखते हैं, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल बॉक्स में कुछ नहीं, आप देख सकते हैं खाली है। तो चलिए दोस्तों इसको हम रखते हैं साइड में और करते हैं ओपन इस बैग को। मतलब बैग को भी काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर प्रूफ है, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं जा सकता है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि बाहर से कुछ लेदर फिनिशिंग टाइप में है। तो चलिए दोस्तों, ओहो, तो यहाँ पर पहले ही हाथ में आ गई माइक, क्या बात है दोस्तों। इसकी लेंथ मेरे हिसाब से तो कम से कम 1.5 से 2 मीटर है पक्का। तो ये माइक है, आप देख सकते हैं इसे, और ये चीज़ है, ये हमारा स्पीकर जिससे हम बात कर जिससे बोलते हैं और आपसे हम बातचीत करते हैं। तो चलिए दोस्तों और क्या है इस बैग में, तो शायद यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें भी मिली। हाँ, ये चीज़ है दोस्तों, क्लिप वगैरह हैं जो हम लगाते हैं, तो मतलब इसके अंदर सारा कुछ आपको वर्ड्स वगैरह मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम बोया माइक को करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है दोस्तों हमारी माइक, आप देख सकते हैं इसे, ऐसा होता है हमारा बोया M1 माइक। और यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ चीज़ें क्या क्या मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हाँ, हमें एक जैक मिलता है,
जैसे कि आप लैपटॉप वगैरह में भी अगर यूज करते हो इसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फ़ोन में भी आप तो ये लगा सकते हो। ये शायद 3.5 mm का तो नहीं है, इससे मोटा लग रहा है, ये शायद लैपटॉप वगैरह में ही लगता है। और या आप जो साउंड बार वगैरह होते जब स्पीकर यूज करते हो उसमें आप यूज कर सकते हो। और सेकंड में हमें दोस्तों मिलती है क्लिफ, जिसे आप अपने कॉलर या शर्ट या टी शर्ट में लगा सकते, काफ़ी हार्ड है आप देख सकते हैं। ये पूरा स्टील का है और ये प्लास्टिक का है, तो ध्यान से लगाइएगा ताकि ये कहीं ब्रेक ना हो जाए। एक्स्ट्रा देखते हैं और क्या आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे पूरी तरह से थोड़ा खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें दोस्तों ये मिलता है एयर, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, और इसे लगाने से हमारा जो साउंड है वो क्लियर आता थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे नॉइस बहुत कम आती। साथ दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ और देखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा सेल मिलता है। बाई चांस अगर इसका आपका इस सेल की बैटरी जो है डेड हो जाती है तो आपको ये किसी भी वॉच शॉप से खरीद सकते हैं, आप ऐसी कोई टेंशन मत लीजिएगा। और दोस्तों इस माइक को मैंने ऑफलाइन खरीदा है ना कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में मुझे बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ऑफलाइन में आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। बाई चांस आपके माइक में कोई प्रॉब्लम होती आपने वहाँ पे चेक कर लिया, चेक करके देख करके कहीं वायर कटी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो उसको देख कर आप उसे परचेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में चेक कर ले कि हाँ इसकी वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं ऑनलाइन में आपको रेट भी ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ पे आपको 700 750 या 850 तक आपको रुपए पे करने पड़ सकते हैं, प्लस वहाँ पर दोस्तों आपको डिलीवरी चार्ज भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम ये है, बाई चांस इतना करने के बाद भी हमने माइक मंगवा लिया उस पर अगर कहीं वायर की कटी निकल गई या सिस्टम उसका ठीक नहीं चल रहा, फिर आप रिप्लेस करोगे, फिर हफ्ता 15 दिन रिप्लेस टाइम लेते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि इससे पहले मैंने एक ट्राईपोड मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और उसको जब मंगाया था तो वो टूटा निकला था, फिर मैंने चेंज कराया दोस्तों, करीब करीब हफ्ता से डेढ़ हफ्ता लग गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम ऑनलाइन में आती है। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो यहाँ पे आपको रेट भी सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन के रेट आपको जैसे मैंने बताया कि 700 या 800 रुपए आपको कम से कम पे करने पड़ते हैं। मैंने इसे जो खरीदा है सिर्फ 500 यानी 500 रुपए में सिर्फ मैंने खरीदा है, शॉप से जाके खरीदा है, तो काफ़ी सस्ते रेट में पड़ गया है। और जब सेम चीज़ दोस्तों अगर मुझे सस्ती मिले और मुझे देख सुनकर मिले तो हम क्यों ना खरीदें। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने नियर बाई शॉप पे जाइए, बहुत सारी मार्केट्स हैं, अगर आप जहाँ भी रहते होंगे होलसेल जाइए और वहाँ पे चेक करिए, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत फेमस हो गई है बोया माइक, तो आराम से आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्द इसकी मैं सेटिंग वीडियो लाने वाला हूँ, उसको सेट कैसे करते हैं, इसके बाद दोस्तों मेरी बैक टू बैक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।